तो बड़ी खबर की बात सबसे पहले करते हैं। राजस्थान में कथित तौर पर नेताओं के फोन टैपिंग विवाद में अब एक बार फिर से कुछ सुखबुकाहट सुनाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लोकेश शर्मा की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लोकेश शर्मा ने एफआईआर के क्षेत्राधिकार और कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इसे कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले साल कांग्रेस में हुए सियासी घमासान के दौरान कुछ ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इसको लेकर 25 मार्च को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नेताओं के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने के आरोप लगाए थे सरकार पर। दिल्ली की क्राइम ब्रांच इस मामले में अब जांच कर रही है। लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है केस को राजस्थान ट्रांसफर करने या फिर एफआईआर को रद्द करने की मांग है। याचिका में कहा गया कि फोन टैपिंग पर राजस्थान में पहले से ही एफआईआर दर्ज है जिसकी जांच की जा रही है, इसीलिए उसी केस में राजस्थान से बाहर एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है, ये तर्क दिया गया। याचिका में कहा गया कि अगर एफआईआर को रद्द नहीं किया जाता है तो उसे जीरो एफआईआर मानते हुए राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको बता दें कि विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह माना था कि सक्षम स्तर पर मंजूरी लेकर फोन टैप किए गए थे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि किसी भी मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं किया गया। हथियारों और विस्फोटकों की सूचना पर गृह सचिव की अनुमति लेने के बाद दो लोगों के फोन सर्विलेंस पर रखे गए थे और उनकी फोन टैपिंग में यह सामने आया था कि ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। तो फोन टैपिंग के मामले में एक बार फिर से कई सारी बातें कही जा रही हैं। जाहिर तौर पर अगर ये बात कही गई है कि एक एफआईआर जो राजस्थान के भीतर पहले से दर्ज है इस मामले में और दूसरी एफआईआर दिल्ली में दर्ज होने का कोई औचित्य नहीं है, अगर होती भी है तो उस मामले को लेकर राजस्थान में उसे ट्रांसफर कर दिया जाए। और गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको लेकर बार बार ये बात कही जा रही थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि केंद्र सरकार में बैठे एक मंत्री का वॉइस सैंपल लेने के लिए जब कोशिशें की जाती हैं तो वो वॉइस सैंपल देने से मना कर देते हैं, क्या उन्हें डर है इस बात का कि उन्होंने फोन टैपिंग मामले में अपनी कोई संलिप्तता रखी है? वो अलग बात है कि जब जब इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा जाता है तो बीजेपी हमलावर हो जाती है। गुलाबचंद कटारिया ने सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बहुत बार इस मामले में कई बातें कही। हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुशांत, जाहिर है कि ये एक ऐसा राजनीतिक जिन है जो वक्त वक्त पर कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आता है, एक बार फिर से सुखबुगाहट है, किस तरीके से इसकी प्रतिक्रियाएं और रिपरकशन देखे जाए? बिल्कुल अभिनव, आपने सही कहा। और जो याचिका है उसमें लोकेश शर्मा की तरफ से दलील दी गई है कि वो मामला जो है या तो उसे खारिज किया जाए, जो एफआईआर दर्ज है उसको निरस्त किया जाए, या फिर उस मामले में पहले राजस्थान में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो जीरो एफआईआर के आधार पर राजस्थान में उस मामले को जो है दर्ज माना जाए और एक साथ ही उसकी जाँच हो, ये दलील है। अब जिससे सुनवाई होनी है, अब सुनवाई में हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का क्या निर्णय रहता है, लेकिन इतना तय है कि फोन टेपिंग को लेकर पिछले कई दिनों से मामला शांत था। लेकिन याचिका के बाद एक बार फिर से बयानबाजी का दौर और राजनीति शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पे दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न केवल गुलाबचंद कटारिया बल्कि हमने देखा बजट सत्र में शांति धारीवाल की तरफ से भी पुरजोर हमला किया गया था और जो बयान दिया गया था उसी बयान को हवाला बनाया गया था की ओर से एफआईआर में। तो इंतजार रहेगा कि आज दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगर सुनवाई करता है तो उसमें क्या डिसीजन रहता है। बिल्कुल, जाहिर है राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह पर है सुशांत, लेकिन जानकार क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर का जो हवाला दिया है लोकेश शर्मा ने, उसको एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वैसे मैं आशीष बात कर रहा हूं, अभिनव नहीं, तो ऐसे में सुशांत इसको जानकार किस रूप में ले रहे हैं? देखिए आशीष, जानकार जो कुछ वकीलों से हमारी बात हुई कल, वो कह रहे थे कि कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो कितना सहमत होगा इन दलीलों से, क्योंकि गजेंद्र सिंह ने जो एफआईआर करवाई है उसकी क्राइम ब्रांच वहां पर जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी होती है और जिस तरह से गजेंद्र सिंह ने उसमें ऑडियो जो कथित ऑडियो है जिनके बारे में कहा गया कि उन्हें फोन टेपिंग के जरिए हासिल किया गया और उसके बाद उन्हें वायरल किया गया,
उसकी जांच क्राइम ब्रांच के पास है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो ठीक एजेंसी है, सही तरीके से जांच कर रही है, स्वतंत्र तौर पर जांच कर सकती है, तब वही जांच रहेगी। लेकिन एक ये एक प्रावधान भी है कि अगर सेम केस हो, एक ही विचार का केस हो, एक ही संदर्भ का केस हो, तो एक जगह दोनों मामलों की जांच भी सौंपी जा सकती है। तो कोर्ट का फैसला क्या रहता है वो कोर्ट पर डिपेंड करे। जाहिर है। चलिए बहुत शुक्रिया सुशांत जानकारी के लिए। और इधर कल गहलोत